Assalamu alaikum dear students, uh, you are welcome to my YouTube channel. Uh, in this video, we will discuss uh, lesson number 2 of your textbook, that is Gilwa in Lilpat, part 1st. We will discuss some of uh, the paragraphs of this story in this video, and the remaining paragraphs will be discussed in second video. Uh, this story, Gilwa in Lilliput, actually, it has been taken from a book that has been written, uh, written by Jonathan Swift. Uh, the name of that uh, very book is Gilver's Travelers. It has been written in 1726 in four volumes. सतारह सौ छब्बीस ईस्वी में इसको लिखा है जोनाथन स्विफ्ट ने एक्चुअल नेम ऑफ दैट बुक इज गिलवर्स ट्रेवल्स इट इज इट इज एन एडवेंचर स्टोरी और वी कैन से इट इज ए फैंटेसी फिक्शन जिसको हम कहते हैं जिसमें किसी आदमी या किसी ग्रुप या किसी और पार्टी के एडवेंचर्स के बारे में जिक्र हो उसी को हम एडवेंचर स्टोरी कहते हैं दिस स्टोरी इज़ अबाउट गिलवा एक्चुअली ही इज़ ए डॉक्टर सर्जन वो वो uh, मुख्तलफ़ ममालिका दौरा करता है विजिट करता है इमेजनरी कंट्रीज़ uh, ये रियल कंट्रीज़ नहीं है फर्स्ट ऑफ़ ऑल ही विजट लेलपट जहाँ छोटे कद के लोग रहते हैं सिर्फ छ इंच टॉल मैन लिव इन दैट वेरी लैंड देन ही टू अनदर तो कंट्री ब्रॉड ब्रॉबडिंग ब्रॉबडिंग एंग जिसको हम बोलते हैं ब्रॉबडिंग एंग ये उस मुल्क का नाम है वहाँ बहुत बड़े लोग रहते हैं देव नुमा देव कद वाले लोग जाइंट्स जिनको हम कहते हैं देव इस तरह वो एक और मुल्क का सफ़र करता है जिसका नाम होता है लेपुटा वहाँ सिर्फ एक आंख वाले लोग रहते हैं और एक मुल्क का सफ़र वो करता है जहाँ मैजिशंस रहते हैं जादूगर रहते हैं उसके बाद वो एक और मुल्क का सफ़र करता है जहाँ इमोटल पीपल न मरने वाले जो हमेशा अमर रहने वाले लोग हैं वही रहते हैं इसी तरह ये कहानी एक बहु एक कहानी जो है आ, ये बुक जो है बहु चार वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल है इसमें बहुत से एडवेंचर स्टोरी का जिक्र किया गया है और ये जो कहानी ये जो आपके सिलेबस में है दिस इज़ एक्चुअली अबाउट गिलवर इन लिलपट हाउ ही रिचज़ दियर इन दैट वेरी आई इसका एक हिस्सा आपने क्लास फिफ्थ में भी पढ़ा है गिलवर अमंग द लिटल पीपल कि किस तरह वो जहाज़ में जिसका नाम होता है एंटलोप उसी में सफ़र कर रहा होता है अचानक उस उनका जहाज़ एक पत्थर से टकरा जाता है उसके दो टुकड़े हो जाते हैं उस जहाज़ में तीस सवार होते हैं गिल्वर भी एक होता है उस जहाज़ में वो तमाम के तमाम मर जाते हैं लेकिन सिर्फ़ गिलवर आ, किनारे पर पहुंच जाता है क्योंकि वो बहुत थका हुआ होता है लिहाजा वो सो जाता है लेकिन जब वो सुबह सुबह उठने की कोशिश करता है तो वो अपने आप को बंधा हुआ बांधा हुआ पाता है उसके हाथ पैर और तमाम जिस्म जमीन के साथ बांध दिया गया होता है बाय दोज वेरी लिटिल मैन वो छोटे छोटे इंसान जो आ, सिर्फ छः इंच कद के होते हैं वो उसको बांध देते हैं जब वो सोता सो रहा होता है फिर उसको आजाद किया जाता है और आजादी के बाद क्या होता है वहां से एक कहानी स्टार्ट होती है नाउ लेट्स रीड गिलवा इन पट पेज नंबर नाइन पार्ट फर्स्ट जोनाथन स्विफ्ट 1667 दिस इज़ हिज़ बर्थ डेट ये सोलह सौ uh, सतसठ ईस्वी uh, में पैदा हुआ है एंड ही डाइड इन 1745 एंग्लो आयरिश डैट मीनज ही इज़ एक्चुअली फ्रॉम आयरलैंड बट लेटर ऑन ही मूड इंग्लैंड इसलिए उसको एंग्लो आयरिश

तनजिया उस तनज़ से जो समाज में जो बुरायाँ होती हैं उनको हम जाहिर करते हैं उसी को सेटरिस्ट कहते हैं इज़ कंसिडर्ड एज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मास्टर्स ऑफ इंग्लिश प्रोज हिजमानी पपलेट्स छोटे छोटे uh, जो किताबें होती हैं उनको पम्पलेट्स कहते हैं प्रोज लेटर्स एंड पोइट्री ऑल मार्कड बाय हाईली इफेक्टिव एंड इकोनॉमिक लैंग्वेज दैट मीनस इफेक्टिव लैंग्वेज इंटरेस्टिंग लैंग्वेज उसकी लैंग्वेज Uh, बहुत ही इकोनॉमिकल है बहुत ही इफेक्टिव है स्विफ्ट वॉज बॉर्न इन डुबलिन दिस इज इन आयरलैंड या आयरलैंड में एक शहर है एंड एजुकेटेड एट ट्रिनिटी कॉलेज इन दैट सिटी और ट्रिनिटी कॉलेज में ही उसकी तालीम हुई है ही ऑबटेड एम्प्लॉयमेंट इन इंग्लैंड और उसको जॉब मिलती है इंग्लैंड में इन Uh, 1689 में एज सेक्रेटरी टू द डिप्लोमेट एंड राइटर सर विलियम टेम्पल वो फिर सेक्रेटरी बनता है सेक्रेटरी बनता है सर विलियम टेम्पल का वो ये वो भी एक बहुत ही फेमस राइटर होता है ही रोट अबाउट पॉलिटिक्स और ये जो जुनेथन सोइफ्ट है ये पॉलिटिक्स के बारे में भी लिखता है लिटरेचर एंड ह्यूमन सोसाइटीस ह्यूमन सोसाइटी के बारे में भी लिखता है ग्लोवर्स ट्रैवलर्स 1726 पब्लिशिंग डेट ऑफ दैट बुक किस किस तारीख पर ये पब्लिश हुई है किस साल ये पब्लिश हुई है यही है आ, 1726 करीब-करीब 300 -करीब साल पहले ये किताब लिखी गई है स्विफ्ट स्विफ्ट्स मास्टरपीस आउटस्टैंडिंग वर्क मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है जोनाथन स्विफ्ट की ये आ, बुक

खामियाँ हैं उनको ज़ाहिर किया गया है इस स्टोरी से इट इज़ एन एलिगरी विद डीप मीनिंग इसमें बहुत सी जगहों पर डीप मीनिंग है एलिगरी हम उस स्टोरी को कहते हैं इट इज़ अ शॉर्ट मॉरल स्टोरी जिसमें मॉरल सिखाए जाते हैं जिसमें मॉरल moral, मॉरल्टी हो उसी को हम एगरी कहते हैं अक्सर इसमें एनिमल्स भी होते हैं कैरेक्टर्स लेकिन आ, इस किताब में एनिमल कैरेक्टर्स नहीं है

Uh, दूसरा सबसे बड़ा दूसरा बड़ा ओशन जो है एटलांटिक ओशन एंड थ्रोन अप ऑन द ऑफ लेलपट जब उसका जहाज डूब uh, जाता है दो टुकड़े इसके हो जाते हैं तो वह फिर तैरता हुआ साहिल तक पहुंच जाता है और एक आइलैंड पर पहुंच जाता है जिसका नाम होता है लेलपट इनहेबिटेड बाय रेस ऑफ लिटिल पीपल नॉट मोर देन सिक्स इंच छ इंच के आदमी उस आइलैंड पर रहते हैं अप एंड मेड प्रिजनर बाय द लिल उसको कैदी बनाया जाता है ये कहानी हमने डिटेल में पढ़ी है क्लास फिफ्थ में लेटर दे कम टू ट्रस्ट हिम एंड सेट हिम फ्री लेकिन फिर उसको एतमाद उनको एतमाद आता है इस पर और वो उसको छोड़ देते हैं दो हफ्तों के बाद जब मुझे आजादी मिली है जब मुझे छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसको एक मजबूत chain के साथ बांध दिया जाता है एक मंदिर में एक टेम्पल में अब उसको छोड़ दिया जाता है दो उस वाक्य के दो हफ्तों के बाद ये जो स्टोरी होती है शुरू होती है वन मॉर्निंग टू वीक्स आफ्टर आई हैड ऑब्टेन इन माई फ्रीडम रियल रिसल द चीफ़ सेक्रेटरी फॉर प्राइवेट अफेयर जो प्राइवेट अफेयर्स होता है जो लोग मुल्क में प्राइवेट चीज़ें होती है सिर्फ बादशाह और उस सेक्रेटरी के दरमियान जो बातचीत के जरिए बातचीत या मामले होते हैं जो इसी का सेक्रेटरी होता है प्राइवेट अफेयर्स का Came to my house. एक दफा वो मेरे घर आता है Attended only by one servant. उसके साथ एक, uh, servant होता है एक गुलाम होता है एक नौकर होता है मुझसे uh, अकेले में बात करना चाहता है तनाई में बात करना चाहता है because he had been sent by the emperor. to discuss with me some important problems of state क्योंकि उसने उसको बादशाह ने भेजा होता है uh, to discuss some important problems जो उनके मुल्क में बहुत से प्रॉब्लम होते हैं मुश्किल होते हैं उन्हीं के बारे में वो मुझसे बात करना चाहता है आई रिड I am uh, with honor मैं उसको बड़ी इज्जत के साथ receive करता हूँ खुश आमदीद करता हूँ lie down uh, so that he could conveniently speak to me मैंने ऑफ़र किया मैंने उसको कहा कि मैं नीचे बैठूंगा मैं सो जाऊंगा ताकि आपको मुझसे बात करने में आसानी हो क्योंकि आपको ये मालूम रख आ, मालूम होना चाहिए कि गिल्वर आ, इस आइलैंड में बहुत बड़ा होता है उसके कान तक पहुंचने के लिए भी उनको सीढ़ी लगानी पड़ती है या उन्हें कोई स्टेज बनाना पड़ता था स्पीक टू मी but he preferred to let me hold him in my hand during our conversation. लेकिन उसने प्रेफर किया कि आप मुझे अपने हाथ में उठाइए और बिल्कुल अपने सामने रखिए ताकि हम आपस में बातचीत करें He congratulated me on my freedom. उन्होंने मुझे पहले मुबारकबाद दी आज़ादी मिलने की मुबारकबादी एंड दैट आई हैड आईन इट सो सोन पार्टली ऑन अकाउंट ऑफ द मनी डिफिकल्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रॉब्लम दैट फेसड द स्टेट जस्ट देन और उसने मुझे राज की बात बताई ये आज़ादी आपको इसलिए जल्दी मिली क्योंकि इस मुल्क में इंटरनल और एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स है एक तो इंटरनल है ंदरून मुल्क में भी प्रॉब्लम्स है कुछ परेशानियां हैं और बाहर से भी कुछ परेशानियां है इट वाज थॉट दैट इफ आई वाज रिलीज ये सोचा गया ये समझा गया कि अगर गिल्वर को आज़ाद किया गया आई might बी ऑफ हेल्प टू द स्टेट इन सॉल्विंग them। शायद मैं उन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए उस मुल्क उस बादशाह का साथ दूँ या उनका साथ दूँ उन मुश्किल को हल करने में उनका साथ दो। Royal Dresser told me that Lilliputians were divided into two parties called High Heels and Low Heels. Royal Dresser ने मुझे ये भी बताया कि इस मुल्क में दो पार्टियाँ हैं एक का नाम है High Heels और दूसरी पार्टी का नाम है Low Heels. According to the High or Low Heels of their shoes, ये नाम किस तरह पड़ा है उन दो पार्टियों का एक पार्टी हाई हील्स शूज पहनती है और दूसरी पार्टी जो है वो लो हील्स शूज पहनती है विच डिस्टिंग वन पार्टी फ्रॉम द अदर या अपोजिट ईच अटाली उनमें बहुत दुश्मनी है वो एक दूसरे से नफरत करते है वो एक दूसरे को अपोज करते है मुखालफत करते है एंड हेटेड ईच अदर सो मच और उनमें इतनी नफरत है दैट द ऑफ वन पार्टी वुड हार्डली ईट एक पार्टी का आदमी दूसरी पार्टी के साथ ना तो खाना खाता है ड्रिंक ना पानी पीता है और टॉक विद दोज ऑफ द अदर ना दूसरी पार्टी के साथ बात करता है इतनी नफरत है इन दोनों पार्टियों के लोगों में कि वो ना एक दूसरे के साथ खाते हैं ना दूसरे एक दूसरे के साथ पीते हैं और ना एक दूसरे के साथ बात करते हैं Although the high heels were more now page number 10. Numerous than the low heels. Halan ki high heels valun ki ti dat ismaluk me zadahe. Uh, than the low heels, Low heels walun se zada hai. <coughs> His majesty, the emperor, was in favor of the low heels. Yejobatha hai. ये फेवर करता है ये तरफदारी करता है लो हील्स पार्टी का या लो लो हील्स जो लो हील्स पार्टी से जो बिलोंग करते हैं लोग उनकी तरफदारी करता है एंड हिमसेल्फ वो लो हील्स ऑनली और ख़ुद भी लो हील्स पहनता है सो द गवर्नमेंट वाज इन दियर हैंड्स नाउ अब लो हील्स के जो पार्टी है उन्हीं के हाथ में गवर्नमेंट है टरी है फॉर प्राइवेट अफियस ये भी उसी पार्टी से यंग प्रिंस वॉज सिंपेटिक टू द हाई ही अब उनको शक है अब उनको डर है कि जो जो प्रिंस है जो अब बादशाह बनने वाला है बादशाह का बेटा है वो उनकी उसकी हमदर्दी है कि उनके साथ हाई हील्स पार्टी के साथ हाई हील्स पार्टी से बिलोंग करने वाले लोगों के साथ एटलीस्ट इट वाज क्लियर दैट वन ऑफ हिज हील्स वाज हायर देन क्योंकि ये बात किस तरह उनकी समझ में आई क्योंकि उसका जो एक जूता है उसका एक हील जो है वो हायर है दूसरे जूते के हील से एंड दैट गेव हिज वॉकिंग क्योंकि वो पहनता है एक जूता हाई हील का दूसरा लो हील का उससे वो लंगड़ाते हुए चलता है नाउ दिस सेकेंड पार्ट ऑफ दिस स्टोरी वी विल डिस्कस टमोरो दैट गुड बाय